प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। नए साल के पहले दिन सोमवार को भी सूरज के दर्शन नहीं हुए। कुछ जिलों में हल्की धूप कुछ मिनटों के लिए दिखी, लेकिन वह सर्दी कम करने में नाकाफी थी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही रहने की चेतावनी जारी की है। घना कोहरे गलन के साथ नए साल की नई सुबह की शुरुआत हुई। फिलहाल मौसम ऐसा ही रहेगा। अगले दो तीन दिन के भीतर विंध्य व बुंदेलखंड में बूंदाबांदी के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक दिन बीतने के साथ कहीं कहीं मौसम खुलेगा तो अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी संभव है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र पर कोहरे का घनत्व वाराणसी और प्रयागराज में सर्वाधिक रहा। यहां दृश्यता शून्य रही। लखनऊ में दृश्यता 500 मीटर तक बढ़ गई थी, इसीलिए यहां कुछ राहत रही। फुर्सतगंज में 50, झांसी में 80 मीटर, हमीरपुर व नजीबाबाद में 100 मीटर और बांदा में 150 मीटर दृश्यता रहे। अन्य इलाकों में 200 या इससे अधिक रहे। इस बीच बाराबंकी, हरदोई, कानपुर नगर, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, चुर्क, प्रयागराज, फतेहपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, फुर्सतगंज, गाजीपुर, फतेहगढ़, उरई, शाहजहांपुर, नजीमाबाद, मेरठ और अलीगढ़ में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहा। वहीं अधिकतम तापमान बस्ती व चुर्क को छोड़ दें तो 20 से नीचे रहा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।